जब से MIUI 12 आया है, ये जो कंट्रोल सेंटर है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। और आप सभी को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे कि भाई ये कंट्रोल सेंटर का कोई भी उपाय है या नहीं कि हम इसे MIUI 11 पे यूज कर पाएँ। तो गाइज फाइनली एक काफ़ी पावरफुल थीम आ चुकी है जिसको यूज करते हुए आप सेम कंट्रोल सेंटर जो यूज कर सकते हो अपने MIUI 11 के डिवाइसेज के ऊपर। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ MIUI 12 का रोम जो कि रेडमी के Note 7 Pro डिवाइस के लिए है। बट डोंट वरी गाइज, ये सेम फीचर्स मैं आपको इनेबल करके दिखाने वाला हूँ अपने अनदर फोन के ऊपर जहां पे मैंने अभी तक बूटलोडर अनलॉक भी नहीं किया है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं इसके फीचर्स के किस तरीके से काम करता है। तो मैं अभी फिलहाल लॉक स्क्रीन पे हूं, आप देख सकते हो कि यहां पे कंट्रोल सेंटर आ गया है। और मैं अगर इसे कंपेयर करूं ओरिजिनल यानी ऑफिशियल कंट्रोल सेंटर के साथ तो आपको कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। हल्के फुल्के आइकन में आपको जो चेंजमेंट दिखाई देता है, बाकी ओवरऑल आपको जो सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। बस यहां पे कंट्रोल सेंटर यहां पे ऐसा है और यहां पे हल्का सा कट देखने को मिलता है, लेकिन बिल्कुल ही हूबहू मैच करता है। और इतना ही नहीं, यहां पे आपको जो लाइव वॉलपेपर भी है जो देखने को मिल जाता है जो कि सुपर लाइव वॉलपेपर है हमारे MIUI का, ठीक है। तो ये भी फीचर्स आप यहाँ पे इजीली एक्टिवेट कर सकते हो। इसे एक्टिवेट करने के बस छोटे से सिंपल से स्टेप फॉलो अप करने होंगे जिसके बाद आप इसे यूज कर पाओगे। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं अभी यहाँ पे फिलहाल यूज कर रहा हूँ K20 Pro के अंदर स्टेबल वर्जन MIUI 11.0.4 का, और ना ही मेरा बूटलोडर अनलॉक है। यानी आपका फ़ोन अगर बूटलोडर अनलॉक्ड नहीं है तो आप है जो इसे यूज कर पाओगे, और अनलॉक है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए दो तीन चीज़ों का आपको फॉलो अप करना होगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर ले ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जो एवरीडे देखने को मिल सके। कर लिया है ओके। उसके बाद जो MI का जो कंट्रोल सेंटर का थीम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे डाउनलोड करके पुट कर लेना है इंटरनल स्टोरेज पे। अब इस एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे जो ब्राउज पे क्लिक कर लेना है, उसका जहाँ पे आपने फाइलों को रखा है वहाँ पे जाना है और जो MI कंट्रोल 12 है MTZ फाइल उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेम शो होगा, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ऐड आएगा, कट कर देंगे, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे टाइप करेंगे और फिनिश पे टाइप करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, हम इंस्टॉल पे जो टैप कर देंगे। ये इंस्टॉल पे टैप होने के बाद आपका जो थीम स्टोर में जा चुका होगा। अब आपको अपने फ़ोन का थीम स्टोर है जो ओपन कर लेना है। तो ये रहा हमारा थीम स्टोर ओके। अब थीम को स्टोर को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि पहले का जो मैंने अप्लाई कर रखा है वो तो अलग है, लेकिन अभी जो मैंने अप्लाई किया है इसके दो थीम आ जाते हैं। तो एक तो होगा जो कि ओरिजिनल होगा जो अप्लाई नहीं होता है, 402 या 44 का करके एरर देता है, लेकिन जो अभी है जो एक्सपोर्ट मैंने किया है एडिटर का यूज करते हुए ये आप इजीली जो यहाँ पे यूज कर पाओगे। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है एडिटेड बाय MIUI थीम एडिटर। अब ये अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद जैसे हम अपने होम स्क्रीन पे आएंगे तो सेम लाइव वॉलपेपर वाला जो आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड के अंदर, वहीं पर अगर हम इन करेंगे सेटिंग की ओर तो सेटिंग हमारा बिल्कुल ये जो चेंज हो गया है और करीब करीब ये लुक देता है MIUI 12 के सेटिंग के जैसा। आप देख सकते हो साइड बाय साइड काफ़ी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है सेटिंग MIUI 12 जैसा, जबकि ये MIUI 11 ही है और यहाँ पे MIUI 12 है ऑफिशियल। तो ये चेंज आपको मिलता है। आया की और इसका वॉल्यूम पैनल भी जो चेंज हो चुका है, और यहाँ पे जो आपका जेस्चर्स है इसमें भी हल्का सा न्यू मॉडिफिकेशन आपको जो देखने को मिल जाता है, और हर एक सेटिंग के ऊपर आपको हल्का हल्का डॉट दिखाई देता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं पे आपको देखने को मिल जाता है इसका नेटवर्क और बैटरी और बाकी अदर आइकन्स जो कि चेंज हो चुका है। अब आते हैं हम अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख पाओगे सेम लाइव वॉलपेपर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अगर मैं इस तरह से स्वाइप करूँगा तो सेम कंट्रोल सेंटर हमें देखने को मिल जाएगा इस MIUI 12 का। और अगर मैं फुल्ली ऊपर से स्वाइप करूँगा तो इसका डिफ़ॉल्ट जो एडिशन है MIUI 11 का वो आपको देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ये सेंटर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप सो गाइस कि आपको ये थीम पसंद आया होगा। और रही बात कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये थीम कुछ देर बाद ऑटो रीस्टोर हो जाता है, तो मैं अभी फिलहाल एज ए 20 मिनट से यूज कर रहा हूँ, कोई भी रीस्टोर का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर आपका रीस्टोर भी होता है ना, जिसके ऊपर कई सारे वीडियोज अवेलेबल है कि किस तरीके से इस थीम को परमानेंटली फिक्स करना है MIUI 11 के ऊपर ताकि ये वापस डिफॉल्ट पे रीस्टोर ना हो। तो आई होप सो गाइस कि आपको कंप्लीट डिटेल मिल गया है। वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप दे, और इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।